चलो, एक बॉडी है कॉन्स्टेंट टू मूव अलोंग द वाई एक्सिस सब्जेक्टेड टू ए फोर्स। चलो एक बॉडी है वो वाई एक्सिस में मूव कर रही है, ये है वाई एक्सिस, अपना ऊपर जा रही है, कोई बात नहीं जाने दो, ठीक है। तो उस पर जो फोर्स लगा वो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ एक्सप्रेशन में दिया हुआ, वर्क डन बाय द फोर्स मूविंग थ्रू ए डिस्टेंस 10 j कैप। अब डिस्प्लेसमेंट वाई एक्सिस में अगर 10 j कैप हुआ तो कितना वर्क डन हुआ। अब सिंपल सी बात है, वर्क डन क्या होता है, फोर्स वर्क डन होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो फोर्स वेक्टर कितना है इस यहाँ पे, फोर्स वेक्टर है -2 i कैप प्लस 15 j कैप और ये प्लस 6 k कैप और डॉट लगा दो और डी डिस्प्लेसमेंट 10 j कैप, ठीक है। तो ये अब इनका डॉट ले लो, आई का आई, जे का जे, के का के, मतलब 150 जूल जो है वो वर्क डन होगा। आता ना सबको डॉट लेने, आई का आई, जे का जे, के का के, बाकी सब जीरो हो गया, तो 150 जूल, ठीक है। आई का कोई है ही नहीं, जीरो हो गया, के का कोई है ही नहीं, जीरो हो गया, और जे का जे में 150 जूल।